हमारे आदमी गुप्त नवरात्रि में एक हम आपको तांत्रिक प्रयोग बताने के लिए जा रहे हैं। शत्रु बाधा हो या आपके ऊपर किसी ने तंत्र इत्यादि कर दिया हो, और शत्रु बाधा बाहर के ही नहीं होते हैं, हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, जैसे हमारे अंदर वासना, क्रोध, ईर्षा, लोभ, ये भी बहुत बड़े शत्रु होते हैं। तो इन सब से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए, एक छोटा सा प्रयोग है, उसको यदि आप करेंगे इन 9 दिनों में तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मित्रों, इस गुप्त नवरात्रि में एक छोटा सा प्रयोग करें, आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, वासना है, घृणा है, ईर्षा है, द्वेष है, लालच है, या किसी शत्रु से आप परेशान हैं, या फिर आपको किसी भूत प्रेत इत्यादि, या आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, तो उसका एक उपाय बता रहे हैं, उसको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। आपको क्या काम करना है, पहले ही दिन स्नान आदि करने के पश्चात में आपको पीले वस्त्र धारण करना है, और उसके पश्चात में एक केले के पत्ते को थोड़ा सा, एक केले का पत्ता ले लें और उसको हल्दी से गीला कर दें, मतलब उसमें हल्दी लगा दें, पीला कर दें उसको, और उसके पश्चात में उसको वहां पर रख करके अनार की लकड़ी से उसके ऊपर जो भी आपका शत्रु है उसका आप नाम लिख दें, या आपके अंदर जो बुराई आप खत्म करना चाहते हैं वो चीज, आपके अंदर क्रोध बहुत आता है उसको लिख दें, आपके अंदर वासना बहुत है उसको लिख दें, आपके अंदर ईर्षा है उसको लिख दें, या आप जिस भी शत्रु से परेशान है उसको उस पर लिख करके एक प्लेट में आप उसको रख दें, और एक जो है सरसों के तेल के दीपक उसके बीच में रख दें। उसके पश्चात में मां बगलामुखी के मंत्र का आप 108 बार नित्य 9 दिन तक जाप करें। वो मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप नित्य 108 बार आप जाप करें, और आखिरी दिन जो है उस को जो है किसी पानी से आप उसको साफ कर दें, जिसमें आपने लिखा है केले के पत्ते की में जो आपने हल्दी लगाई थी और जो लिखा हुआ था उसको साफ करके, और उस जल को आप किसी पौधे पर छोड़ दें। अब यदि किसी ने आपके ऊपर जो है तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है तो एक कटोरी में जो है आप केले का पत्ता रख दें और उसको हल्दी से गीला कर दें, और उसको एक कटोरी में ऐसा बिछा रख दें, और उसके पश्चात में जो मंत्र हमने आपको बताया बगलामुखी का, उसी मंत्र का जाप करते हुए उसमें 108 दांत, मतलब एक एक मंत्र आपका पूरा होते जाए और एक एक दाने आप उसमें पीले सरसों के आप डालते जाएं। तो इस प्रकार से आप 9 दिन तक करें, और 9 दिन के पश्चात में उन सरसों के दाने को अपने घर के छत के ऊपर चढ़ करके और पूरे चारों तरफ आप थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। आपका व्यापार स्थल है, यदि आपको किसी ने को लगता है कि आपके किसी ने आपकी दुकान को बंद दिया तो उसके वहां पर आप थोड़ा सा अंदर जाकर के थोड़ा सा छिड़काव कर दें, या जिस आदमी को भूत प्रेत इत्यादि लगा हुआ है उसके हाथ में थोड़ा सा दे करके 7 बार वहां इस प्रकार से फूंक मार दें, और उसके पश्चात उन दानों को बाहर फेंक दें, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। तो ये 2 छोटे-छोटे से प्रयोग हमने आपको बताए, ये गुप्त नवरात्रि में यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। आज इतना ही, ओम शांति।